नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार पुलिस पर हमले और बिहार पुलिस की पिटाई का मामला जो है बिहार में अब नई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि तमाम जिलों से आती खबरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार पुलिस के खिलाफ लोग कितने गुस्से में आ जाते हैं पल भर में। अब देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है और ये बड़ी खबर बिहार के भागलपुर जिले से आ रही है, जहां एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? दरअसल पुलिस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जदयू का नेता है। और इतना ही नहीं, जदयू के नेता के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों ने भी मिलकर पुलिस पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है, जिसमें पुलिस के कई कर्मी घायल हो गए हैं, थानाध्यक्ष भी घायल हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की गाड़ी को भी तोड़फोड़ दिया गया है, जिसके बाद मुख्य आरोपी को तो खैर जदयू नेता को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए छापेमारी की जा रही है। अब खबर के बारे में अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो पुलिस पर हमले की खबर है। मारपीट की सूचना पर खरीक थाना क्षेत्र के खैरपुर पहुंची पुलिस टीम पर जदयू खरीक प्रखंड अध्यक्ष और सरपंच पति पप्पू यादव ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस दौरान थानाध्यक्ष सुबेदार पासवान सहित कई पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए, पथराव से गाड़ी भी टूट गया, फिर पप्पू यादव को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि सरपंच उनकी जो है पत्नी पुष्पा देवी और अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा सके, छापेमारी की जा रही है। अब थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिली थी कि पप्पू यादव अपने पड़ोसी पंकज यादव से मारपीट कर रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी। उधर पंकज यादव ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा गया है कि पप्पू यादव से विवाद हुआ था, इसे लेकर दोनों ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया। इसके कुछ दिन बाद पप्पू यादव को किसी ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसको लेकर पप्पू यादव ने पंकज यादव, उनकी पत्नी और बेटा पर केस दर्ज कराया था। अब जमानत करवाकर घर पहुंचे तो मारपीट करने लगे और उसी के मामले में जो है पुलिस तमाम शिकायतों के बाद पहुंची थी, खबरें मिलने के बाद पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस पर भी इन लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया और उनकी पत्नी ने भी पत्थर चलाए, जदयू नेता ने भी पत्थर चलाए। पप्पू यादव जिनका नाम है, प्रखंड अध्यक्ष है, सरपंच के पति है, सरपंच पुष्पा देवी उनकी पत्नी है, और ऐसे में पुलिस इनके साथ क्या करती है? अब जब ये बाकी लोग पकड़े जाएंगे तो उसके बाद तमाम लोगों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि बिहार के भागलपुर में एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है और ये हमला जदयू नेता ने किया है, जदयू नेता की पत्नी ने किया है, उनके परिवार वालों ने किया। फिलहाल बने रहना सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।